hey guys, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know my name is Vaishnavi. कैसे हो आप सब लोग? I hope so सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे. And guys, today I have created Navratri first day look and first yellow hair. So आज मैंने येल्लो लुक क्रिएट किया है. So if you like this video, so please like, share as well as subscribe my channel and hit the bell icon too. Without any further ado, let's get started. So guys, directly we are going to move on to foundation because I have already completed my skincare and off camera जाके मैंने complete कर चुकी हूँ. So let's move on to foundation. For that I am going to use Maybelline Fit Me in the shade 120. So today I am going to use this foundation. इसे dot dot करके apply कर रही हूँ. I'm going to blend with blender. So guys, ये जो मैंने foundation आज मैंने use किया वो एकदम हाई कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं है, शेयर टू मीडियम आपको इसका कवरेज मिल जाएगा. सो जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट्स है मैंने वहाँ वहाँ फिर से कंसीलर अप्लाई किया है. गाइस, कंसीलर हो गया है एंड वी आर मूविंग टू कॉम्पैक्ट पाउडर. फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबलिंग फिट मी इन द शेड 230 नेचुरल बफ. ये मेरा गाइस ऑल टाइम फेवरेट अभी कॉम्पैक्ट पाउडर हो चुका है. क्योंकि इस बार मेरे पास सारे कलर्स अवेलेबल है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक ऑल द कलर. सो गाइज, वी आर मूविंग टू आई शेडो. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मास्क 15 आई शेडो पैलेट. सो गाइज, पहले हम जो लाइट ब्राउन शेड है ना वो पिक कर रहे हैं. सो गाइज, एज यू कैन सी मेरे ब्राउन कलर मैंने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दिया है. मैंने लाइट ब्राउन शेड पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दिया एंड देन मैं आईलाइनर की शेप में मैंने कंसीलर से विंग आईलाइनर बनाया है. तो जैसे वो सूख जाएगा उसके ऊपर हम येलो कलर अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर विंग लाइनर लगेगा वो. गाइज, अभी मैं येलो कलर ले रही हूँ एंड मैं जहाँ पर कंसीलर जैसे मैंने अप्लाई किया है ना वो उसके ऊपर ही मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ. गाइस, ये ट्रिक काम कर रही है. थोड़ा सा फॉलोअट हो रहा है उसके वजह से, बट इट्स ओके. गाइज, जो भी पाउडर के लिए ब्रश यूज करें आप उससे डस्ट ऑफ कर सकते हो. गाइज, मैंने हाइलाइटर लिया है एंड मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ उसको. मैं नीचे सेम ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ. चाहिए तो आप थोड़ा सा डार्क शेड भी अप्लाई कर सकते हो. एंड जो भी बचा हुआ है ना मैं एक बार
क्रीज एरिया पे भी थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। एक क्लीन ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। गाइस कैन यू सी दिस, लाइक मस्कारा अप्लाई करने के बाद उसका लुक ही पूरा चेंज हो गया। सो सेम थिंग मैं ये आई पर भी कंप्लीट करके आ जाती हूँ। सो गाइस मेरे दोनों आईज कंप्लीट हो चुके हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक छोटू सा स्टार अगर बनाया तो कैसे लगेगा। सो लेट्स ट्राई दैट, कुछ तो यूनिक आज करने का बहुत मन है। सो लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। गाइज मैंने एक ही आई पर बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक अगर दोनों आईज पे सेम क्रिएट किया तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे लाइक थोड़ा सा क्लाउड वाला कुछ तो आई लुक क्रिएट करने के लिए। एंड इसके आगे हम मूव कर रहे हैं टू ब्लश। Next we are moving on to highlighter. For that I'm using this highlighter. Today I'm going to use lip liner. Guys, lip liner से game ही पूरा change हो जाता है, like एकदम lips को एकदम अच्छा shape आ जाता है। जो भी lipstick आप लगाते हो वो बहुत ज़्यादा उभर के दिखता है। इस वजह से पहले मैंने lip balm लगाया है, then उसके ऊपर मैंने lip liner लगाया है। So next I'm going to use lipstick and this is matte look lipstick in the shade 04 velvet maroon. So lastly I'm going to fix my face. For that I'm going to use beauty color makeup fixer. Hey guys, this is my final look. If you like this video, so what you have to do, like, share as well as subscribe my channel and hit the bell icon too. So whenever I will post a new video, you will get update. And so I will meet you on my next video. So till then, bye bye. Be happy, be safe.